दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान ने अपनी आ चुकी फिल्म जवान के माध्यम से पहले ही दिन कमाई के मामले में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐसा इतिहास रच दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि जिसको देखने के बाद अब एक सवाल भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा है कि भाई ये रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन। यानी भैया ये बात तो जानती हो कि भैया जवान को पहले ही दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से, तो भैया वो आंकड़ा है 74 करोड़ 50 लाख रुपीस का, यानी भैया 74 करोड़ 50 लाख रुपए का। यानी भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 65 करोड़ 50 लाख रुपीस का, यानी भैया 65 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद भैया तमिल लैंग्वेज इस फिल्म को जो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 5 करोड़ 30 लाख रुपीस का, यानी भैया 5 करोड़ 30 लाख रुपए का। और तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 3 करोड़ 70 लाख रुपीस का, यानी भैया 3 करोड़ 70 लाख रुपए का। तो भाई पहले दिन तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन किया है, तो भैया इस फिल्म का दूसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कैसा जा सकता है इसको लेकर अर्लियर एस्टिमेट हम लोगों के सामने आ गया है। अभी मैं आप लोगों के सामने अर्लियर एस्टिमेट ही रख रहा हूँ और भैया इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि भैया दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म किन किन फिल्मों को पीछे करती नजर आ रही है कमाई के मामले में। और उसके साथ भैया पहले फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म किन किन फिल्मों को पीछे कर सकती है ये सारी जानकारियां मैं इस रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन भैया इस फिल्म का जो फाइनल भैया ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से जो कलेक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मैं आप लोगों को रात को ही बताऊंगा जब इस फिल्म का इवनिंग शो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा, लेकिन अभी आप ये बात जान लीजिए कि आज इस फिल्म को अर्लियर एस्टिमेट कितने का मिलता नजर आ रहा है बॉक्स ऑफिस पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 की लिस्ट में ये फिल्म भैया एक फिल्म से पिछड़ती नजर आ रही है और उसके बाद भैया सभी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ती नजर आ रही है। तो भाई कौन सी है ये फिल्म भैया आपको टॉप 10 के लिस्ट को सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है दबंग खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया बजरंगी भाईजान, जिसको दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 36 करोड़ 60 लाख रुपीज का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली प्रभास की यानी कि भैया आदि पुरुष, जिसको भैया दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 37 करोड़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया सुल्तान, जिसको दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 37 करोड़ 32 लाख रुपीज का, यानी भैया 37 करोड़ 32 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को दूसरे दिन कलेक्शन मिला था। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया ब्रह्मास्त्र, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ का यानी कि भैया 38 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सलमान खान की एवरेज हिट मूवी यानी कि भैया रेस 3, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ 14 लाख रुपीज का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है रणवीर कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि संजू, जिसको दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ 60 लाख रुपीज का यानी कि 38 करोड़ 60 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है डार्लिंग प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था मेरे भाई वो आंकड़ा था 40 करोड़ 50 लाख रुपीज का यानी कि भैया 40 करोड़ 50 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया सनी पाजी की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 का, जिसको भैया दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 43 करोड़ 8 लाख रुपीज का यानी कि भैया 43 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर मिला था। उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है रॉकी भाई की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी भैया केजीएफ का चैप्टर 2, जिसको दूसरे दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 79 लाख रुपीज का। और उसके बाद भी इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है भाई किंग खान शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया पठान, जिसको दूसरे दिन के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था मेरे भाई 68 करोड़ का। यानी कि भाई इस टॉप 10 के लिस्ट में
भैया आज के अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से जवान जो है वो केवल पठान से पिछड़ रही है, और उसके बाद भैया सभी फिल्मों को ये कमाई के मामले में धूल चटाती नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया पहले फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट की। तो भाई इस लिस्ट में तो भैया जवान जो है वो नंबर वन के पोजीशन पर बहुत ही आसानी से आने वाला है भैया आज के अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से, क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं भैया पहले फ्राइडे के लिए। तो दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि वीएस सिंघम रिटर्न का, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 32 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है किंग खान शाहरुख खान की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस का, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 33 करोड़ 12 लाख रुपीज़ का यानी कि 33 करोड़ 12 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है आमिर खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि धूम के पार्ट 3 का, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 33 करोड़ 42 लाख रुपीज़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बॉलीवुड के दबंग खान यानी भैया सलमान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टाइगर जिंदा है का, जिसको भैया पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 34 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का यानी भैया 34 करोड़ 10 लाख रुपये का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 6वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी भैया संजू का, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 34 करोड़ 75 लाख रुपये का यानी भैया 34 करोड़ 75 लाख रुपये का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली प्रभास यानी कि भैया प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का, जिसको भैया पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 37 करोड़ 25 लाख रुपीज़ का। उसके बाद भी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है भाई बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी भैया पठान का, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको भैया पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 40 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का यानी कि भैया 40 करोड़ 10 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 2रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है डार्लिंग प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया बाहुबली के पार्ट 2 का, जिसको पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 41 करोड़ का यानी कि भैया 41 करोड़ का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजिशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है KGF के चैप्टर 2 का, जिसको भैया पहले फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ 79 लाख रुपीज़ का। यानी कि भाई यहाँ पर हम एक बात खास देख रहे हैं कि भाई पहले और दूसरे दिन का तो रिकॉर्ड भैया पठान ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन भाई ये जो रिकॉर्ड जो था भैया पठान से चूक गया था मेरे भाई, और भाई पठान की उस गलती को इस बार सुधारेगी भैया जवान यानी कि भैया इस रिकॉर्ड पर किंग खान पठान से भले ही कब्जा नहीं कर पाए लेकिन भैया वो जवान के माध्यम से इस रिकॉर्ड पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई जवान ने जिस तरह से सभी रिकॉर्ड्स पर अपना कब्जा करना शुरू किया है उसको देखने के बाद अब आपको ऐसा लगता है ना कि भैया आने वाले दिनों में ये फिल्म और भी कई सारे रिकॉर्ड्स पर अपना कब्जा करती चली जाएगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।